इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां एमपी में कोरोना बेलगाम हो गया है। बता दें पिछले 24 घंटे में 124 जो केस हैं वो सामने आए हैं। 5 महीने पर 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इंदौर में 62, भोपाल में 27 केस मिले हैं, जबलपुर में 8, उज्जैन में 6 केस सामने आए हैं, तो वहीं खरगोन में 4 केस सामने आए हैं, तो वहीं शहडोल और होशंगाबाद में 6-6 केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पहुंच गई है। 124 में से 97 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। सबकी बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एक तरह से भोपाल और इंदौर में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 124 केस सामने आए हैं, तो वहीं 124 में से 97 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। 5 महीने के बाद 100 से ज्यादा केस जो है वो सामने आए। इंदौर में 62 केस सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी भोपाल से सदफ हामिद जुड़ गई हैं और इंदौर से हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, सदफ हामिद का। सदफ, ये बताइए कि एक तरह से भोपाल में जो है कोरोना विस्फोट हो रहा है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है इस समय? बिल्कुल अलीशा, देखिए कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना डराने लगा है, क्योंकि पिछले 5 महीने के बाद अब इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 124 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल और इंदौर से कोरोना के मरीज मिले हैं। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पर इंदौर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंदौर में 60 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। हालांकि राजधानी भोपाल में थोड़ी राहत की बात है कि इंदौर से कम 24 मरीज यहां पर मिले हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये ज़रूर चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि 5 महीने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस का आना इस और इशारा करता है जिस तरह से जो कोरोना के तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में अगर केसेस बढ़ते हैं तो ज़रूर यहाँ पर चिंता पैदा करने का ये सबब है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर सरकार की बात करें, उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। पिछले दिनों की ही बात है जब मुख्यमंत्री खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। जी सदा, बने रहिए, हम जरूर करते हैं हेमंत शर्मा का, हमारे साथ इंदौर से वो जुड़े हुए हैं। हेमंत शर्मा, ये देखिए कि इंदौर एक तरह से जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, क्योंकि 24 घंटे में 62 नए मामले सामने आए हैं वहां से। हाँ देखिए, बिल्कुल पिछले साल भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ था। इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीज जो है कोरोना के सामने आए थे, क्योंकि मुंबई की जो बॉर्डर है वो सेंधवा से लग जाती है, तो मुंबई से आने वाले जो लोग हैं वो इंदौर में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जिसके कारण जो है कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी ओर जो बात करें कि इंदौर में 3 दिनों में 100 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए, वहीं 24 घंटों में 62 मरीज आज सामने आए हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि जो मरीज सामने आए हैं सभी एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, सभी का उपचार जो है वो निजी अस्पतालों में हो रहा है। अब 283 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो निजी अस्पतालों में अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती, जिनका उपचार जारी है। देखिए, कोरोना संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा एक कारण जो है वो सामने ये आ रहा है कि लोग यहाँ पर जो है वो अवेयर नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नज़र आ रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, जबकि नगर निगम जिला प्रशासन की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है और मुहिम चलाने के बावजूद भी लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हो रहे हैं। लोगों को 200 रुपये का फाइन भी यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जिला प्रशासन ने लोगों को समझाया था कि वे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं, ये चलता हुआ रोड, यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाए हैं, पर वो मास्क जो हैं वो कहीं ना कहीं नाक से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये संक्रमण का जो बड़ा खतरा जो पैदा होता है वो कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन लोग यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। जब उनसे बात की जाती है तो वो साफ तौर पर यह कहते हैं, देखिए हेमंत, हैरान करने वाली बात तो ये है, 124 जो है नए मामले आए पिछले 24 घंटे में, लेकिन 97 लोग वो हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली वैक्सीन की। निगम उनका 200 रुपए का फाइन करता है, इसके बावजूद भी लोग जो है वो अभी अवेयर यहाँ पर नहीं होते नजर आ रहे हैं। जी अलीशा, हेमंत
हेमंत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पाई है? जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ और हेमंत शर्मा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला जो है वो सामने आया है। 6 से ज्यादा बार और रेस्टोरेंट पर पुलिस की कार्रवाई देखी गई है। क्लब कबाना, मोक्ष रेस्टोरेंट और पिक्चर बार पर कार्रवाई की गई है। वाटर विला रिसोर्ट समेत कई रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। धारा 188 के तहत पुलिस ने दर्ज किया है पूरा मामला। बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पुलिस ने रेस्टोरेंट और बार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। 6 से ज्यादा बार और रेस्टोरेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली है। क्लब कबाना, मॉक्स रेस्टोरेंट, पिक्चर बार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। धारा 188 के तहत पुलिस ने दर्ज किया है मामला। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला सामने आया है। 6 से ज्यादा बार और रेस्टोरेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। क्लब कबाना, मोक्ष रेस्टोरेंट, पिक्चर बार पर कार्रवाई हुई है।